उन्होंने कहा कि आपको लड़का हुआ है, बधाई दो हमें। उन्होंने कहा आपका लड़का है ही नहीं, आपको तो लड़की हुई है। मतलब लड़की बोले हमारे पास लड़की आई है, तो अगर नहीं ले होगा तो मैं पुलिस बुलाऊंगा, कार्रवाई कराऊंगा और भी का बाद में लावारिस घोषित करके ताने बच्ची दे देंगा हमें। अच्छा। और बच्ची ताने लेनी पड़ेगी। हॉस्पिटल प्रशासन तो कह रहे हैं कि आ एक मानवीय भूल है, देखिए गलती सु के एंट्री वगैरह कर दी। जांच हुए, डीएनए जांच हुए, जमान पता चल जाए कि भाई यो आपनो ही बालक है। स्टाफ वाला ड्राइवर है क्या, वो थारो ही है, केस कर देना। केस क्या को, अब बच्ची ने ले जाए तान मान दिवा देना। लड़की है, लड़की लड़का में कोई फर्क कोनी। कोई स्टाफ के द्वारा कोई गलती बस उसको लड़की को लड़का बता दिया गया था। ये प्रेस तुम्हारे को लावारिस घोषित कर दूंगा, मुकदमा करवा दूंगा। किसने कह दिया, किसने कहा ये कैसे गलत जमा दिलवा दे रहा है? अच्छा अजी लावारिस किसने कह दिया? अजी की कोई वीडियो बने दिमाग क्यों लावारिस? ये डेढ़ घंटे बाद में हुआ है, छोरी की छोरी होगी डेढ़ घंटे बाद में बात कर रहे हो। जिससे बोल रहा है आपकी रिकॉर्डिंग्स बोल रही है, सब कुछ बोल रहा है और आपका जो रवैया है वो बहुत गलत है। मैट्रिक्स नीट डिवीजन की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी टीम, मजबूत मैनेजमेंट और बच्चों की कड़ी मेहनत से 200 से भी ज्यादा बच्चों को मिला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन। आज ही मैट्रिक से जुड़ें और अपने डॉक्टर बनने के सपने को साकार करें। नमस्कार, राम राम। रिपोर्टर दिलराज और सीकर के जनाना हॉस्पिटल का मायना काल शाम का को मामलो है। काल शाम का एक डिलीवरी को केस आयो और भी केस के मायने पहली परिजन है जगह बता रहा है के पहली बच्चो है, लड़को है बताया गयो और बिक बाद के मायने घंटा डेढ़ घंटा के बाद में लड़की बताई गई। पूरो मामलो के है, आरोप है जिका परिजन लगा रहा है। बातचीत अज किया हूं करशा तो परिवारजन हॉस्पिटल के मायने है, पूरो मामलो के है आऊ बातचीत करशा। राम राम जी। राम राम जी। काई बात है, पूरो मामलो काई है और थे पेशेंट के काई लागो पूरी बात है? पेशेंट मेरे घराली है। मैं काल श्याम के लयो गाँव से, गाँव है मेरे घुंगारो पीलिया का डहर जी। मेरा नाम है राजेश दायल और पेशेंट का नाम है सुबिता। हम कल 5 बजे के लगभग घर से निकले, 108 एम्बुलेंस को कॉल किया। कॉल करने के बाद में हमें तारपुरा ले गए, तारपुरा से हमें रेफर कर दिया। तारपुरा सीएससी है ना, वहाँ पे ले गए, वहाँ से हमें रेफर दिया जनाना हॉस्पिटल जो राजकीय है, जो हम अभी यहाँ पर है। वहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में हमारी जो डिलीवरी का रूम है उस रूम में ले गए। उस रूम में ले जाने के बाद में हमें वो कागज कार्रवाई के लिए बोला, उसका ब्लड के लिए मैं 206 में गया। 206 में कोई नहीं था, करीब 20-15 मिनट वहाँ रुका मैं इंतजार की बात है। ये शायद 6:30 बजे की बात है, शाम का, काल शाम का 6:30 बजे। 6:30 कोई स्टाफ नहीं था वहाँ पे, मेरे से पहले भी बैठा, बोला भाई साहब यहाँ कोई नहीं है। बोले 2 घंटे से मैं बैठा हूँ जांच वाला। फिर मैं वापस नीचे आया तो डॉक्टर को बोला कि जांच वाला कोई नहीं है। वहाँ अंदर जाके पूछा तो बोले हमारे पास टाइम नहीं, बोले थोड़ी देर बाद में आना। फिर मैं वापस आया उनके पास में आया तो उन्होंने मेरे को कागजों पे साइन करवाने के लिए बोला, भर्ती के मरीज के सुविधा के। तो मैंने उनको जब ही साइन कर रहा था उसी वक्त डिलीवरी हुई। अच्छा। जो शायद 7 बजे के लगभग हुई थी डिलीवरी। होने के बाद में वो अचानक बच्चे को ले गए, क्या पता नहीं। एक मेरे को डॉक्टर ने कागज दिया, कागज पे कहा कि आप 20 नंबर में आ जाओ आईसीयू के। मैं तो मैंने डॉक्टर को पूछा क्या बात हुई, तो उन्होंने कहा कि बच्चे को कुछ दिक्कत हो गई सांस लेने में, कोई पानी गंदा पानी ऐसा लगा है पेट। अच्छा। के अंदर, तो उसको लिए आईसीयू में दे दिया। इसको आईसीयू में देने के बाद जो जहाँ पे डिलीवरी हुई है उसी वक्त मेरी माँ है अंदर। उसको डिलीवरी के टाइम पर थारी मम्मी जी है जगह माई ना अंदर ही है। उन्होंने दोनों हाथों को पकड़ रखा था, एक पे बोतल चढ़ी हुई थी और दूसरे में दोनों को हाथों को पकड़ के रखा था। वहां पे उसको नल भी काटा है बच्चे को, डॉक्टर ने वहां भी चेक किया है, किया तो होगा ही ना। काई कियो बैठे, काई कियो। उन्होंने कहा कि आपको लड़का हुआ है। अच्छा। बधाई दो हमें, बदाई तो दो। बधाई देने के लिए मेरी माँ से उन्होंने सफाई वालों ने 200 रुपए लिए। मतलब माने सफाई का बधाई का 200 रुपए। लड़को हुआ है, लड़का हुआ है। बोले दादी जी तुम्हारे पोता हुआ है, लड़का हुआ है। दादी जी भी बैठे ही आ जाना बन कुछ होना। दादी जी बोले दे देंगे बधाई, दे देंगे अभी मेरा लड़का बाहर लड़के से लेके। उसके बाद में तुरंत जो कागज की एंट्री है, उस कागज की एंट्री में लड़के का नाम है पूरा। हाँ। लड़के का जो डॉक्यूमेंट, मतलब डॉक्यूमेंट में सेक्स की जगह बोट है मेल लिखे है, मेल फीमेल की मेल। हाँ। उसमें जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है बिल्कुल, ये डॉक्टर ने दिया है मेरे को, मेंशन कर देती हूँ मैं। हाँ। उसमें जो काट के रखा है पहली मेल लिखो गयो है, बाद का मायना अठे फीमेल लिखो गयो है। पहली मेल बता दियो थाने का लड़को हुई है, लड़का हुआ, बधाई ले ली। और फिर आईसीयू में चले गया। आईसीयू में जाने के बाद में बोला आप 8 बजे बाद में आना, 8 बजे के बाद में आना, अभी आपको कुछ नहीं बता सकते। अच्छा। तो मैंने कहा मेरे लड़का हुआ है, लड़के की क्या है? तो बोले 8 बजे के बाद में आना।
मैं वापस जाता हूँ 8:15 बजे। तो उन्होंने कहा आपका लड़का है ही नहीं, आपको तो लड़की हुई है। मैं तो लड़की कहाँ हुआ, लड़की तो अंदर लड़का बता रहे हैं सभी, वो लड़के लड़का ही है। लड़की बोले हमारे पास लड़की आई है, तो लड़की आई है उसकी जांच के लिए उन्होंने सारे रजिस्टरों में सारा है। बिक बाद में कई मामलो यो हॉस्पिटल प्रशासन को बात करिए, बिक बाद में कोई बातचीत हुई हॉस्पिटल प्रशासन बात हुई ना, हॉस्पिटल प्रशासन तो आ कह रहे हैं कि आ एक मानवीय भूल है, देखिए गलती सु के एंट्री वगैरह कर दी, मानवीय भूल यहाँ नहीं होनी चाहिए। देखो कायदो तो यहाँ है और मैं यहाँ चाहूँ एक माने एक के निष्पक्ष जाँच हुआ है। निष्पक्ष जाँच में यहाँ हुआ कि अब अन बता दियो कि पहली की भाई थारा लड़को ये है और बाद में अन 1.5 घंटा बाद में करें तारे के लड़की हुई है। हर कागज का मान एंट्री यह है कि भाई लड़को लड़को हर में लड़का की एंट्री है, बिक बाद मान गोद में लड़की दे रही जा ए लड़की ने कह ली बाकी लड़की है जो लड़की लड़का में कोई फर्क को नहीं। तो बाऊ बात कर रहे हो हॉस्पिटल वाला हूँ अठा का अधिकारी है प्रभारी है बाऊ बात करी तो बेकाई बतायो तन। तो प्रभारी बात तो आई कर जांच करवा देसा जी देखा सो भी साबू में करवा देसा और बाकी स्टाफ की गलती हुई है गलती सुजगो मिस प्रिंट लिखी गलती स्वीकार करें कि गलती सु लिखी जगो लेकिन इस चीज में संतुष्ट को नहीं। मैं चीज संतुष्ट इसलिए वहाँ कि इसकी DNA जांच हुआ है, DNA जांच हुआ जहाँ मान पतो चल जाए कि भाई यो आपनो ही बालक है भी साबू जो भी है लड़को लड़की जो भी है माने एक्सेप्ट है लेकिन माने मारो ही चाहिए मतलब दूसरा को बीच में बता रहे लावारिस की बात और भी बहुत सारी बातचीत कहीं बात हुई अंकल जी स्टाफ वाला ड्राइवर है क्या वो थारो ही है बच्ची थारी है करना केस कर डाला केस क्या को अब बच्ची ने ले जाया था मां दिवा देना अधिकारी हाँ। को नहीं अच्छा हाँ बह कह रहे हैं कि मां के अंदर कर देना था वीडियो भी है हमारे हाँ। को वीडियो है मां को कहीं कहता को लावारिस को भैया बोलिया भैया बोला कि अगर या तो इन एक्सेप्ट करो एक्सेप्ट नहीं करो तो बोला मैं इन लावारिस घोषित कर दे तो लावारिस घोषित क्यों कर दे अगर मारा है तो मारा एक्सेप्ट कर सी क्यों अगर DNA जांच करवा दो भी माने जो क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल जैसी भी के बाद में एक्सेप्ट कर लेंगे दिक्कत के है लावारिस की कोशिश कर दो बोले ले लो नहीं मुकदमा करवा देंगा यार बिहार आप भाई साहब कर मतलब यहाँ धमकी भर रहा मतलब डायलॉग दे रहे हैं और प्रेशर बना रहे हैं कि जबरदस्ती थे इन लो। तो अब थे के कदम उठा रहे हो आगे अब कदम यह है भाई साहब और गए ही FIR दर्ज कराने और कानूनी कार्रवाई के तहत एक निष्पक्ष जाँच हुआ और निष्पक्ष की एक कमेटी बने कमेटी बन के जिसकी कमेटी जिसको रिजल्ट लेके आवे वो मान्य है कहीं सहमति बनी कौन बनी फिर की साबू कई बात हुई जांच की बात करी थे। देखो जी ऐसा है अभी कल शाम को की घटना है यहाँ पे हमारे गांव के राजेश जी उनके प्रसव हुआ था पत्नी के उनको सूचना दी गई कि आपके लड़का हुआ है और आप उनके रजिस्टर में भी बाकायदा हॉस्पिटल के जो रिकॉर्ड का रजिस्टर है उसमें भी बाकायदा एंट्री की गई है कि लड़का हुआ है। उसके बाद में 1.5 घंटे बाद में उसी हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा जो पहले 1 घंटे पहले लड़का बताता है मतलब जैसे मारवाड़ी में कहावत है माँ कहकर भाभी कहने वाली जो बात जो हुई है 1.5 घंटे बाद में कह रहे हैं कि आपका लड़का नहीं लड़की हुई है। तो इस प्रकार का जो ये एक तरह का स्कैम कौन कर रहा है कैसे कर रहा है लेकिन जिस परिवार के साथ जो घटना हुई है वो काफी स्तब्ध है और इस प्रकार से है कि एक सामाजिक प्रतिष्ठा को भी और एक मानसिक स्थिति मानसिक वो डिस्टर्ब भी इतना ज्यादा है कि वो कुछ मतलब इतने अपन क्या कहें कोई शब्द नहीं है इस प्रकार की घटना को इन्होंने अंजाम दिया है। तो पहले बातचीत चल रही थी बहुत से विभिन्न मुद्दों पे हमारी बातचीत हुई लेकिन अब हम सब परिजनों ने मिलकर के ये तय किया है कि इस बात का हम संबंधित थाने में मुकदमा दर्ज कराएं और उसकी पुलिस जांच करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें। तो भाऊ बातचीत करीब एक बाद में घर का भी बता रहा है कि पहली जिया मन बतायो तो गांव के मायने बता दी मैं हर जगह बताई का लड़को हुआ है मिठाइयां भी बांट दी बिग बाद में यह कह रहा है कि लड़की और ये कह रहा है कि मारे लड़कियों कोई समस्या को नहीं लड़की मैं स्वीकार करा लेकिन खटे ना खटे जांच के मायने यहाँ उनको आयोग है और टाबर थारो ही है अगर मन के मायने समस्या यहाँ की आ रही है कि टाबर थारो ही लड़का लड़की से कोई समस्या नहीं है हमारे लड़का भी वैसा ही है लड़कियां भी लड़कियां हमारे सामाजिक व्यवस्थाओं में सामाजिक व्यवहार में लड़कियों के प्रति लड़कों से ज्यादा सम्मान हमारे यहाँ पर है जो हम भी अब भी कायम रखना चाहते हैं। लेकिन सर जो 1.5 घंटे के पीरियड में जो ये हुआ ये चिंताजनक बात है ना इसपे यहाँ पे सवालिया निशान खड़ा होता है कि उसमें कोई 10-20 मिनट का फर्क होता तो हम इस बात को स्वीकार कर दे और उसके बाकायदा रजिस्टर में मेंशन हुआ है ना जो लेबर रूम का जो रजिस्टर है उसमें मेल लिखा हुआ है बिल्कुल समय जिसमें प्रसव हुआ है उसका प्रसव का समय 7:05 PM लिखा हुआ है। बड़ा हॉस्पिटल में यान की गलती क्योंकि बहुत आम लोग है 4 जिला का लोग है अठे जनाना का मायने आवे है और सो बड़ो हॉस्पिटल है संभाग के मायने और बीच गांव पर यान की गलती स्वीकार ये बहुत बड़ी गलती है अस्वीकार्य निंदनीय है अस्वीकार्य ये बहुत बड़ी गलती है ये कोई माफ करने लायक गलती नहीं। महिपाल जी मामलो पेचीदा अड़ियो बैठे के बच्चा की जिम्मेदारी कौन ले जांच की भी बात हुई लेकिन फिर क्यों समस्या आ रही है अड़े
समस्या आई है काल शाम को आगे बच्चों हो भी का बाद में पूरा रिश्तेदार ने और पूरा समाज ने मैसेज कर दियो कि मारे बच्चों को भी के बाद में डेढ़ घंटा बाद के मैंने फोन करो कि बच्चों को नहीं माने हॉस्पिटल स्टाफ जो है बारे में बच्ची बता रहे हो तो मैं बोले भाई यहाँ क्या उसका बात फिर बोले बोले अब बच्ची बताओ यार मन आ और प्रेशर कर रहा है कि बच्ची है तने लेनी पड़ेगी। अच्छा तो अगर नहीं लेगा तो मैं पुलिस बुलाऊंगा कार्रवाई कराऊंगा और भी का बाद में लावारिस घोषित करके तने बच्ची दे देंगे हमें। अच्छा। और बच्ची तने लेनी पड़ेगी। आज भी मैं 20-30 लोग इकट्ठा होया पीएमओ से मिला पीएमओ की जो भाषा ही बाबी आई ही पीएमओ ने यह भी नहीं कहा कि भाई हमारे से गलती हुई है हम इसको स्वीकार करते हैं ऐसा कुछ नहीं था कि यह बच्ची आपकी ही है आपको ही लेनी पड़ेगी। मैं मीडिया के बिना जांच का ही लेनी पड़ेगी जबरदस्ती लेनी पड़ेगी ताना अब बच्ची है तारी है ताना बच्ची ही लेनी पड़ेगी। मैं मीडिया के माध्यम से अभी क्या बोलता हूँ कि वो कहेगा ईश्वर है भगवान बच्ची देनो चाहे क्योंकि बच्ची एक लक्ष्मी का रूप है लेकिन एक जबरदस्ती सौंपनो आ एक बहुत बड़ी प्रशासनिक कुठाराघात है एक आम आदमी के एक कतो मासूम सो एक बच्चो है इना बात बताई जाए इक पहली एक बच्ची होगी एक बच्ची के बाद के मायने एक बच्चा की अगर सूचना मिले वो कतो खुश हो भी के बाद में डेढ़ घंटा बाद में कहते तेरा दोबारा बच्ची होगी वो कतो आघात लागे हालांकि बच्ची से मैं बहुत खुश हूँ मेरा खुद का बच्ची को नहीं ये भी कह रहे हैं कि हमारे पास बाकोनी का लड़का या लड़की हुई है कोई दिक्कत को नहीं बच्ची से बच्ची मेरे को नहीं मैं खुद चाहूंगा बच्ची मन को भी मिल जाए मैं खुद राजी हूँ बच्ची से लेकिन प्रशासन आई प्रकार की जो वार्ता कर रहे हैं कहता ने जबरदस्ती करना पड़ेगा स्टाफ की गलती होने के बाद में स्वीकार नहीं करना आ एक बहुत बड़ी बात आपके लिए। तो अब आगे एफआईआर है जगीदर बिल्कुल एफआईआर सारा प्रिजन मिलके एफआईआर होगी और जो भी कार्रवाई होगी वह स्वीकार होगी। अठा का अधिकारी है जगह कहीं के रहा भी आप बातचीत कर कल शाम को एक डिलीवरी हुई थी 7:05 पे डिलीवरी में ये सुबिता है राजेश तो उसी डिलीवरी में बच्ची हुई थी कोई स्टाफ के द्वारा कारण कोई गलतीवश उसको लड़की को लड़का बता दिया गया था तो उसका और उसको थोड़ी देर बाद में 15-20 मिनट बाद में उसको वापस करेक्ट भी कर दिया था लेकिन इसमें परिवारजनों को थोड़ा आपत्ति है कि नहीं हमारा बच्चा तो फिर पहले लड़का बताया तो लड़का ही है लड़की कैसे हुई तो इसके लिए हमें शिकायत मिली है इसके लिए हमने जांच कमेटी उठाई है और जांच के लिए इसको और जो भी उच्च अधिकारियों को हमने इसका अवगत करा दिया गया है और जिसने जो बताया उसको हमने तुरंत ही उसको वहां से हटा दिया गया है। रजिस्टर में उसी स्टाफ के द्वारा उसको कोई गलत फहमी कारण से कोई उसकी गलती से ये उसमें एंट्री की गई थी कि उसको फीमेल को मेल कर दिया गया था लेकिन उसको भी तो करेक्ट कर दिया गया था। लड़की आपके स्टाफ ही नहीं है? हाँ तो है दीदी है तो हाँ तो फिर आपका ये रवैया होता है आप जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो कि भाई मैं इसको लापरवाह घोषित कर दूंगा कैसे कर दूंगा रिकॉर्डिंग आपकी यहाँ पे सबकी हर चीज की रिकॉर्डिंग आपका रजिस्टर क्यों है आपके रजिस्टर की भाषा ही बोल रही है जो मेरी लिमिट में तो एक आदमी को इतना बड़ा सदमा पहुंचता है उसको आप ये तो कहोगे यार भाई ये बात ऐसी गलती हुई है हमारे से ये नहीं कि मुलावर से कर दूंगा कैसे कर दूंगा आप इसको आप जनता के मालिक हो जनता के लोग हो जनता के पुलिस क्या किसने कहा आपने कहा है आप मेरे मुंह में दे रहे हो आपने कहा है आपका स्टाफ बोलेगा तो आप बोलोगे मनोज कुमार धाई बोलेंगे आप किसी ने ये नहीं कहा मुझे मुंह में आप क्या कहा संदीप बोस संदीप ने किया इनका जो संबंधित डॉक्टरी स्टाफ है डॉक्टरी स्टाफ ही कार्रवाई होगी ना नीचे वाले नर्सिंग स्टाफ यूज करेंगे नर्सिंग स्टाफ का ऐसे तो कोई रोल नहीं होता है सारी कार्रवाई डॉक्टर करता है डॉक्टर लिखता है डॉक्टर ही डिलीवरी कराता है नर्सिंग स्टाफ ने डिलीवरी नहीं करवाता इसकी नीचे वालों ने कहते कैसे कहते नीचे वालों ने डिक्लेयर करने वाला डॉक्टर होता है। अब जो आपकी मांग है वो दो जो मेरे लायक है नहीं मांग आपको भी दे रहे हैं मांग कर रहा है यहां पे दवाई कर रहे हैं मांग आएगा दवाई दे रहे हैं डॉक्टर साहब अरे ठीक है सर कोई जैसा है जो गलत है उसको सुधार मिलनी चाहिए डिलीवरी डेट पे चढ़ा हुआ है डॉक्टर को नहीं होता है बच्चा बच्चे उसे बोल दे दो कपड़ा पहन लेने फिर बोलो पहन कपड़ा पहन
तो रिपोर्टर दिलराज के साथ में जुड़े रहो, बने रहो और थारो प्यार प्रेम जो बनाए रखो।